मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है। सुनो रे, मोदी ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर पाया। मोदी ने 10 साल में भारत देश बेच दिया। मोदी जी को चाय बेचते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैं इसका उदाहरण हूँ कि मैंने मोदी को देश बेचते हुए देखा है। देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहेगा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो मंगलसूत्र छीन लेंगे, एक भैंस ले जाएंगे। पापा वॉर रुकवा रहे हैं, नौकरी नहीं दिलवा पा रहे हैं। पापा हिंदू मुस्लिम से नहीं निकल पा रहे हैं। पापा रो रहे हैं। पापा क्या कर रहे हैं? 60,000 पुलिस की भर्तियां आई, एक भी बच्चे, सारे बच्चों का पेपर लीक हुआ। एक पेपर की कीमत थी 400 रुपए फॉरम की। 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान किसका गया? जनता का गया, मोदी जी का नहीं गया। नमस्कार दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यानी इंडिया गठबंधन का माहौल इस तरीके का बन गया है कि देखने में सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। और वहीं पर आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों से आंसू टपक रहा है, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो रो तक दिए। देख सकते हैं, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, किस तरीके से दोनों लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिए, मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए, मैंने कोई महत्व तो नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। आज अंतिम यानी 7वां चरण का चुनाव है और यह चुनाव तो भाजपा का और माहौल बिगाड़ कर रख दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की रैली में इतनी जनता पहुंच गई कि वहां पर खड़ा होने तक के लिए जगह नहीं बचा। सैकड़ों लोग तो टेंट का पाइप पकड़कर लटके हुए हैं और बहुत सारे लोग टेंट के ऊपर चढ़ गए हैं और कुछ लोग तो बड़े बड़े पेड़ों पर भी चढ़कर अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। देख सकते हैं वीडियो किस तरीके से लटके हुए हैं और अखिलेश यादव जी मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करिए। 8-10 लोग हमें न दिखाई दे रहे हो नौजवान, जब खंबे पर जगह नहीं बची तो हमारे जो टेंट लगा है, टेंट का जो पाइप है उसमें भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ऊपर है उनसे निवेदन है इसके बाद और किसी को मत ऊपर बुलाना। जहां पेड़ है पेड़ पे भी लोग हैं। ये समर्थन न केवल जीत दिलाने जा रहा है बल्कि रिकॉर्ड मतों से राजीव राय जी को जिताने जा रहा है। यानी इस बार सभी लोगों ने ठान लिया कि भाजपा का सफाया करना है। और वहीं पर आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के किए हुए वादे पर जनता के चेहरा से मुस्कुराहट झलक रहा है। देखिए किस तरीके से जनता खुश दिखाई पड़ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के आंखों से आंसू गिर रहा है तो वहीं दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन 4 जून को खुशियों की दिवाली मनाने की तैयारी में लगी हुई है। और वहीं पर अखिलेश यादव मिर्जापुर की जनता से कहकर गए कि 4 तारीख को अब खुशियों का लहर आ रहा है। देख सकते हैं वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। 4 जून को जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो सुनहरे दिन आएंगे, लेकिन खुशियों के दिन भी आएंगे। बताओ, खुशियों के दिन लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो? और अब तो परेशानी और जो संकट के दिन हैं, ये दुख दर्द के दिन और संकट के दिन खत्म होने वाले हैं कि नहीं खत्म होने वाले हैं? और देखिए अखिलेश यादव जी मिर्जापुर में आकर क्या कहा। अरे मिर्जापुर में तो मैंने सोचा था कि बहुत विकास हो गया होगा। बताओ 10 साल से कितने नौजवानों को नौकरी मिली है? बताओ हमें नौजवान साथियों, बैंक से 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, उसका कर्ज माफ हो जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का तो 25 लाख करोड़ माफ कर दिया, लेकिन हमारे गरीब और किसान और गांव में रहने वाले लोगों का, जिनका केवल हजारों और लाखों में कर्ज है, उनका माफ नहीं हुआ। हम अपने किसान भाइयों को कहके जा रहे हैं, अपने आदिवासी भाइयों को कहके जा रहे हैं, 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है, आपका पूरा का पूरा कर्ज माफ करने का फैसला होगा।
एक्चुअल में आपको बता दें कि पहले चुनाव हो ही नहीं रहा था, पहले तो धांधली की जा रही थी। 2014 में भाजपा गलती से चुनाव जीत लिया और 2019 में भाजपा स्क्रिप्टिंग करके चुनाव जीता, यानी तब तक चुनाव हो ही नहीं रहा था। चुनाव तो इस बार हो रहा है और अब की बार नतीजे सही सामने निकल कर आएंगे। आपको बता दें कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल 50 रुपये प्रति लीटर के दाम बढ़ा करके 100 रुपये प्रति लीटर कर दी, जो सरसों 80 से 100 रुपये प्रति लीटर था उसे 200 से 300 रुपये प्रति लीटर कर दी, जो मोटरसाइकिल आपको 50,000 में मिल जाती थी उसका इतना रेट बढ़ाया कि अब वहाँ 1,00,000 से भी ज्यादा खरीदने में पैसे लग रहे हैं। सुनने में आ रहा है कोई गैस सिलेंडर भरवाने भी नहीं जा रहा है, और आपकी जो मोटरसाइकिल थी बताओ कितनी महंगी हो गई, पहले कितने रुपए की आती थी आज कितने की आ रही है, आपकी दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई, कितनी महंगाई बढ़ा दी। जितनी की 75 साल में महंगाई नहीं बढ़ी उतना यहाँ 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ा दी। ऐसे तमाम प्रोडक्ट हैं जो कि भाजपा के आने पर बहुत ही हाई रेट में मिलने लगे, यानी हम सब गरीबों का पैसा इकट्ठा करके अडानी अंबानी का जेब भरा जा रहा था, लेकिन वहाँ सब हमारे देश की जनता हिसाब लगा ली है और अब भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। और इस 7वें चरण के चुनाव से भी भारतीय जनता पार्टी को हार देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि 4 जून को इस देश की नागरिक वहां सब हिसाब किताब करके भारतीय जनता पार्टी को एक छोटी सी चिट्ठी थिमा करके यहां से टेक ऑफ कर देगी। ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि मिर्जापुर लोकसभा से रमेश दिनजी जीत करके चुनाव जा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग यहां पहुंचे हैं मौसम भी बदल गया है, ये केवल मौसम बदलने के या मौसम ही नहीं बदला है, इस बार राजनीतिक मौसम भी बदलने जा रहा है। तो खैर दोस्तों, इस चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की पलायन हो चुकी है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को देखने वाले हमारे मिर्जापुर से जितने लोग हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं कि इस बार किस सांसद को चुन रहे हैं, रमेश बिंद या अनुप्रिया पटेल की और किसी दूसरे को। साथ ही अपना गाँव भी कमेंट करके बताएं ताकि हम समझ सकें कि मिर्जापुर से हमें देखने वाले कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ से हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।